सिरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां, नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। वैसे तो ये सब करते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इन लोगों की करतूत ही कुछ ऐसी है कि इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं। ये एक शब्द जरी तोंडा तुम काढलास ना गाठ माझ्याशी है। मंजू, हम दोनों परिवार में जो भी गलतफहमियां है ना, वो हम बैठ के सुलझा सकते हैं। इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने हमारे अर्चू के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है कि मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। अर्चू की जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने, सुख का एक दिन भी नहीं बिता पाई वो इन लोगों के घर पर। रोज वही गाली गलौज मारा पीटी, परेशान हो गई वो इन लोगों के घर पर। बेचारी सहन ही नहीं कर पाती थी, और जब उसे सहा नहीं गया ना, तब जाकर उसने ये कदम उठाया है। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए। यकीन कीजिए, आपकी ननद के साथ जो इन्होंने किया है उसकी सजा इनको जरूर मिलेगी। बड़ा चला था अजीत को फंसाने, अब भुगत अपने किए की सजा। देखना मानो, ये जेल के दिन तुझे और तेरे परिवार को कहां से कहां तक ले जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। अता में निकते हैं। हो ये क्या हो रहा है सर, मेरी बहू ऐसा कैसे कर सकती है। चुप रे बेवड़े, साले दिन भर बेवड़ा पी के पड़ा रहता है, एक कान के नीचे बजाऊंगा ना जिंदगी भर नशा करना भूल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब देखो, आप हमें धमका नहीं सकते। ए, धमकाने की क्या बात करता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब तीन दिन के मेहमान हो तुम लोग, आज शुक्रवार गया, अगला शनिवार परवा रविवार, 2 दिवस कोर्ट बंद, अतः जमानत डायरेक्ट सोमवार ही है। अच्छा चंगुल में आ गया तुम लोग। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको किसी को जेल में रखना है ना, आप मुझे रखिए, जितने समय के लिए रखना चाहते हैं आप मुझे रखिए सर, लेकिन मेरे परिवार वालों को छोड़ दीजिए सर। सर इन लोगों ने कुछ नहीं किया सर। ए मिस्टर, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, समझा ना, इस मामले में जितनी गलती तेरी है उतनी इन सभी की है। बहती गंगा में हाथ धोया सबने, तो तुझे अकेले को सजा क्यों, सब कुछ जेल में सड़ना पड़ेगा तभी अकल आएगी तुम लोगों को और बाकी लोगों को सबक मिलेगा। फिर कोई अपनी बहू के ऊपर अत्याचार करने की भी नहीं सोचेगा। अच्छा तुमची कारवाई चालू ठेवा, अपन कड़ा दोगे ध्याई। Thank you.
नहीं तुम, मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। अब वो गणेश कैटरर्स वालों के यहाँ से फोन आया था, वो आज के बिल के अमाउंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, वही सॉर्ट आउट करने गई थी ना। चलो ठीक है, अंदर चलो, पूजा की सब तैयारियां हो गई हैं, सबको बाहर बुलाने की। हाँ, चलो चलो। भाई बाबा, पूजा की सब तैयारियां हो गई हैं, पंडित जी ने कहा सबको बाहर बुला लो। हाँ हाँ चलो। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है वहां पर। जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, उस पल को कोस रहे हैं जब मानव की शादी अर्चू के साथ में हुई थी। अब हमें उन लोगों का कोई डर नहीं है। हमारे अजीत तक पहुंचना चाहते थे ना, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा तो हम पीछे खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आगे चलते हैं ना, तेरे सास और ससुर की खुशी में शामिल होते हैं। हमारी खुशियाँ उनकी खुशियों से अलग थोड़े ना है। बहू का सामान फेंका और क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सच बोलती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास, ये विश्वास गया तेल लगाने। तेरी जैसी औरत को मैं अच्छी से जानती हूँ, नौटंकी साली। एक आखिरी बार बोल रही हूँ, बता दे वरना। आई को क्यों मार रही है तू? अरे मेरी आई ने कुछ नहीं कहता ना, आई को मार रही है। बोल बोल कथा, कैसा लग रहा है? अरे क्यों मार रहा मेरी आई को? बोलना है तुझे? अरे चुप, क्या बोलना है तुझे? फिर मैं भी देखता मुझे क्या करना है। डॉक्टर साहब कोई हमें बताने की कोशिश कर रहा है, कुत्ते क्या हमने? हां डॉक्टर साहब, हम अच्छे लोग हैं, हम हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करते। तू साले, तेरे अच्छाई के जने हुए को अच्छी तरह से जानता हूं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अभी तो तेरी बीवी और बेटे को पड़ी है। अगर तू एक शब्द भी बोला ना, उल्टा लटका के मारूंगा। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर साहब आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, मुझे अंदर बंद करके मुझे मारिए। इंस्पेक्टर साहब लेकिन आई को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ए कार्रवाई चालू ठेवा। बाबा की शादी की सालगिरह के अवसर पर अर्चना, वर्षा, वैशाली ये तीनों एक सरप्राइज आइटम पेश करेंगी।
So ladies and gentlemen, give them a big hand. नहीं वैशु, मैं नहीं कर सकती, तुम दोनों करो ना। ताई चल। वैशु आना। ताई ताई तुम्हारे ना कहने की वजह मैं जान सकती हूँ ताई, पिछले कुछ दिनों से जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो सब जानने के बाद तुम आज का ये फंक्शन अटेंड कर रही हो ना, यही बहुत बड़ी बात है ताई। आज सुबह से जिस तरह से तुमने अपने चेहरे पर ये हंसी का नकाब पहने रखा है ना ताई, तुम्हें पता है ये हंसी के नकाब के कारण आई पापा कितने खुश है, और अगर अगर अब तुम मना कर देगी ना तो सबको सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी हंसी के पीछे क्या गम है, और आई बाबा तो तुरंत पकड़ लेंगे ताई। अगर अब तू ना कहेगी ना तो आई बाबा की ये खुशी उनके गम में बदल जाएगी, और अगर तू चाहती है ना कि उनकी आंखों में आंसू ना रहे और वो हमेशा खुश रहे तो तुम्हें तुम्हें नाचना होगा ताई, तुम्हें अपने हंसी के नकाब को पहने रखना होगा, और आई बाबा की खुशी के लिए उनकी हंसी के लिए तुझे हंसना होगा और तुझे नाचना होगा ताई। बड़ी धी ठहरे तू बुढ़िया, मार खाने के बाद भी अपनी जुबान नहीं खोली, अब देख देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बता क्या क्या किया तूने अर्चना के साथ में, कैसा टॉर्चर किया हाँ बता बता, कहाँ कहाँ तूने गर्म पानी से दाग लगाया हाँ हाँ। मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची बोलती हूँ। देख सीधी तरह से बता दे, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं है। तू तेरी सांग नहीं ला। मैंने ऐसे कैसे कर सकती है हम लोगों के साथ, क्यों? ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने करवाया ये सब, इसकी तह तक तो जाना ही होगा। सर सर मैं एक फोन कर सकता हूँ कैसे? सर हमें अभी भी लगता है कि कुछ गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से ये सर एक फोन करने दीजिए प्लीज सर, एक फोन। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम एक फोन तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ क्यों नहीं,
गवर्नमेंट तुम्हारे बाप की है ना, अरे उसका बिल बढ़ाने का अधिकार दिया है ना तुम लोगों को, लेकिन फोन करोगे किसे, अपने लॉयर को? नहीं सर, सर अपनी पत्नी को करना है सर। सर एक बार बात कर लेने दीजिए सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसको कुछ गलत फहमी हुई है सर। सर एक बार बात कर लूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है ठीक है, जादा जा दरवाजा खोला। चलो बाबा। यही फोन भूल कर गई, ऐसी लड़की है। हेलो हेलो अर्चना, मैं मानव बोल रहा हूँ। मैं अर्चना नहीं, अर्चना की आई बोल रही हूँ। अर्चना तुमसे बात नहीं करना चाहती। आई देखिए आई, मैं देखो उस दिन तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन हमारे घर पर आकर सगाई का निमंत्रण लेकर गए, और जब अर्चना तुम्हारे घर पहुंची तो तुम लोगों ने उसका कैसे स्वागत किया? अरे दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करते, ऐसा बर्ताव किया तुम्हारी आई ने उसके साथ। अब कौन सा अपमान करना बाकी रह गया कि उसे वापस नहीं आई? एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे अर्चना से बात कर लेने दीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक बात ध्यान से सुनो माना, अब हम तुमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही अर्चना। तुम्हें पीछे छोड़कर अब अर्चना अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और वो खुश भी है। उसकी खुशियों को नजर मत लगाओ, और वो तुमसे बात नहीं करना चाहती इसलिए आइंदा यहाँ फोन भी मत करो। क्या हुआ मन, क्या बोली वो? अर्चना कहाँ है? अर्चना मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने सुना था सिर्फ कोई लड़की जब डोली में बैठ के अपने ससुराल आती है ना तो उसकी अर्थी उठती है। अर्चना ने तो इस घर की अर्थी उठा दी। बाबा मैं लाख बुरा सहे, मेरे अपने लोग लाख बुरे ही सहे, लेकिन बाबा हम लोगों ने किसी ने उसके साथ गलत सुलूक नहीं किया। क्यों क्यों ऐसे हुआ बेटा? उसने सही नहीं किया बाबा, उसने बिल्कुल सही नहीं किया बाबा। तूने अपने बाबू पे एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि कल को तेरी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो? अरे सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, बंदू बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता है, वो बिल्कुल मासूम है, उसको उसको कुछ मत करिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, उसको कुछ नहीं पता है। तेरी भाभी भी तो मासूम थी, फिर जब तेरी माँ उस पर अपना कहर बरसा रही थी तो तुझे उस पर दया नहीं आई? तब तो बहुत मजा आ रहा होगा ना इसकी हालत देखकर। अब कल को जब तेरी शादी होगी और तेरा पति तेरे घर वाले तेरे साथ ऐसा ही भद्दा सलूक करेंगे ना, तब तो रोना मत, हंसना, हंसेगी ना? चल एक नेट प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं तुझे बताती हूँ जब ससुराल वाले हरवानियत पे उतर आते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वंदु ने कुछ नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं पता है, सच बोलो उसको कुछ नहीं पता है, प्लीज उसको कुछ मत करना, उसको मत मार।
मारिए प्लीज, इसको मत मारिए। आपको जो करना है मेरे साथ नहीं। मत मारो उसको, मत मारो।